नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एम्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इलाज करवा सकते हैं और कैसे अपना नंबर लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हमारे पूर्वांचल का बड़ा हॉस्पिटल है दोस्तों। जो पहले हम इलाज के लिए भटकते थे, बाहर जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे, आज हमारे अपने शहर गोरखपुर में भी हो गया है। दोस्तों आज के समय हर परिवार के कोई ना कोई सदस्य बीमार है और इलाज के लिए इधर उधर भटकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत पैसा लग जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक आम आदमी के लिए इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गरीब आदमी एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। वो कैसे इलाज करवाएगा, परेशान रहते हैं, सोचते हैं काश हम भी कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता। उनके लिए एम्स हॉस्पिटल बहुत फायदेमंद होगा। गरीब भाइयों के लिए वो जाएंगे, उनका अच्छा इलाज होगा। वहां जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बहुत से काउंटर है, वहां जाएंगे आप अपना नाम बताएंगे, वो अपना मोबाइल नंबर, वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने का 30 रुपया फीस लगता है। 30 रुपया एक बार फीस देने पर आपको एक साल की वैलिडिटी मिलती है, आप एक साल इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो तो एम्स गोरखपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना उसमें नंबर लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बावजूद आपको अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 7 नंबर काउंटर पर जाकर अपना एक पर्ची बनवाना पड़ता है जिसपे वो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं। दवा एम्स में नहीं मिलती है, जो दवा है वहां अभी दवा की सुविधा है नहीं, तो इसलिए आपको दवा बाहर ही किसी प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर ही आपको लेना पड़ेगा, वहां दवा की सुविधा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है जल्द से जल्द यहाँ दवा की सुविधा कराएं, जिससे गरीबों के लिए एक सुविधा हो जाए, क्योंकि सारा पैसा दवा में ही लगता है। एक आम आदमी 200 से 300 रुपये कमाता है, वो उसके लिए बाहर से दवा लेना भी बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द यहाँ दवा का भी सुविधा करें, और एम्स में जो भी सुविधा है बहुत अच्छा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।